नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, एमपी बोर्ड 12th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए यहां पे एक लेटेस्ट अपडेट है। सभी को इंतजार है कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक एमपी बोर्ड ने इसका डिसीजन नहीं किया कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर बनेगा। आप सभी को पता है कि दोस्तों जैसे यहाँ पर CBSE बोर्ड ने जो अपनी 12वीं की परीक्षा है इसको यहाँ पर कैंसिल किया था, जस्ट उसके दूसरे दिन एमपी बोर्ड ने भी जो अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा है इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका डिसीजन नहीं हुआ है कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। और इस समय दोस्तों YouTube पे आपने बहुत सारी ऐसे वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक एमपी बोर्ड ने इसका डिसीजन यहाँ पर नहीं किया और एमपी बोर्ड दोस्तों यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि जैसे यहाँ पर CBSE बोर्ड अपना जो 12वीं का रिजल्ट है उसका जो बनाने का फॉर्मूला है यहाँ पर जारी कर देता है, जस्ट उसके बाद दोस्तों एमपी बोर्ड भी यहाँ पर डिसीजन ले लेगा। आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड में जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं सब CBSE को कॉपी करके ही लिए जाते हैं अपना, दोस्तों उनका यहाँ पर खुद से अलग से कोई डिसीजन नहीं होता है। यहाँ पर आप न्यूज़ देखिए, 12वीं के रिजल्ट में 10वीं के बजाय 11वीं का वेटेज हो, मध्य प्रदेश को CBSE के फॉर्मूले का इंतज़ार, फिर बनेगा 12वीं का रिजल्ट का सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों अगर आप न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्य सरकार के सामने रिजल्ट का फॉर्मूला बनाना बड़ी चुनौती हो गया है। इसके लिए मंत्री समूह तो है लेकिन फॉर्मूले पर सहमति फिलहाल नहीं है, लिहाजा राज्य सरकार CBSE के फॉर्मूले का इंतजार कर रही है, इसके बाद ही मध्य प्रदेश का अपना फॉर्मूला बनेगा। इसी बीच बड़ी अड़चन यह भी आ रही कि मंडल से जुड़े ज़्यादातर निजी स्कूलों ने पिछले साल 11वीं की परीक्षा नहीं ली थी बल्कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है, इसलिए इनके पास पिछले साल 11वीं का नंबर आधारित रिजल्ट नहीं है, लिहाजा वेटेज कैसे लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्री समूह के साथ बात करेंगे, अगले हफ्ते फॉर्मूला तैयार कर लिया जाएगा, CBSE के फॉर्मूले का भी यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पे जो एमपी बोर्ड का जो 12वीं का रिजल्ट है उसका फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो CBSE बोर्ड जो अपना फॉर्मूला यहाँ पे बनाएगा उसके ऊपर भी यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनल डिसीजन होगा कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपको लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो CBSE बोर्ड है उन्होंने भी यहाँ पे दोस्तों एक कमेटी बना दी है और उनका दोस्तों जो रिजल्ट का फॉर्मूला लगभग यहाँ पे 10 दिन के अंदर बन जाएगा कि जो 12वीं का रिजल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आपके 12th क्लास के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है कि जो आपका रिजल्ट है किस तरीके से बनेगा, इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।